हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो आज की जो जॉब अपडेट आई है वो है CGPSC की, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो देखते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है और पूरी जानकारी लेंगे हम इसकी। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी सैलरी है, क्वालिफिकेशन है, क्या ग्रेजुएशन वाले अप्लीकेबल हैं, सिलेबस क्या है, सब कुछ देखेंगे इसका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी वैकेंसी जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट PCS की सिविल जज की वैकेंसी है। तो इसमें टोटल वैकेंसीज जो है हमारी वो कितनी है, 32 वैकेंसी है। जबकि हम देखें इसमें कैटेगरी वाइज तो जनरल की कितनी है, 13 वैकेंसी है, OBC की 5 है और SC की 4 है और ST की 10 है। तो टोटल वैकेंसी देख लिया, अब हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है। तो जनरल और अदर स्टेट के लिए जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो है 400 रुपये और SC, OBC और ST वालों की 300 रुपये। इसको हम ऑनलाइन पेमेंट बोर्ड के थ्रू पे कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। और क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या मांगी है इन्होंने, तो जो हमारी बैचलर डिग्री है वो लॉ में होनी चाहिए, मतलब LLB होनी चाहिए हमारे पास। तो इसका मतलब है कि जो बैचलर डिग्री है वो एलिजिबल है, इसके लिए कोई हमें मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेशल कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास LLB की बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो इंडिया में। तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखेंगे तो इसमें आता है सबसे पहले हमें इंडियन पीनल कोड पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम पॉलिटी भी कहते हैं, एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड, द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। तो ये सारा सिलेबस आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद होगा हमारा मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लेते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन है, इसमें हमको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन CVU केसेस, एंड सेकेंड है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस। तो जो एक सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें हमें फ्रेमिंग कैसे करनी है और हमें जजमेंट जो है अपना वो कैसे लिखना है, उस चीज़ का एग्ज़ाम होगा। और तीसरा होगा हमारा ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ये देख सकते हो जैसे आप थर्ड पॉइंट पे। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स का होगा, वाइवा वॉइस तरीके से होगा। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। जॉब लोकेशन रहेगी वो हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर ही रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सैलरी क्या होगी, सैलरी होगी इसकी 27,700। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो ये जो आपका बेसिक पे लगेगा वो लगेगा 27,700। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे आगे तो आपका प्रमोशन के साथ फर्स्ट ईयर प्रमोशन बेसिक पे में होगा 770 रुपीज़ का, देन 920, देन 1080 और सेवन्थ पे कमीशन के थ्रू आपका पे मैट्रिक्स 10 लेवल की लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो अप्लीकेशन नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गया है जो कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं सारी, तो बट अप्लीकेशन जो हमारी फिल करने की डेट है वो है 4 मार्च, ठीक है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन की वो है 2 अप्रैल और फी डेट भी लास्ट वही है। और उसके बाद अगर हमें कोई करेक्शन करना है तो 5 से 11 तारीख तक कर लेना है। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप एक ही बार में सही फॉर्म भरें। और प्री एग्ज़ाम जो होगा, इनकी डेट इन्होंने पहले से दी हुई है, तो प्री एग्ज़ाम जो होगा हमारा वो होगा 17/5/2020 को। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास आपको पता होगा कि कितना टाइम है, तो आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड जो है वो अप्रैल में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो अभी बताया नहीं गया, पहले प्रीलिम होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेन होगा। तो इसी तरह की जॉब अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।